हेलो फ्रेंड्स, राधे कृष्ण। फ्रेंड्स, छोटे छोटे जुगाड़ जो हमारे किचन के काम को बहुत ज़्यादा इजी बना देते हैं, तो आज इस वीडियो में कुछ हैक्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। यदि वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, यदि आप छोले, राजमा, मटर, कुछ भी चीज़ जो आप भिगो रहे हैं और भिगोना रात में ही भूल जाते हैं, तो ऐसा क्या करें कि हमारे जो राजमा हैं वह सुबह के समय केवल आधे घंटे में भीग जाएं। तो यह बहुत ही आसान सा ट्रिक आपके साथ शेयर करने वाली हूं। तो मैंने राजमा को पहले वॉश कर लिया है और अब मैं इसमें डाल रही हूं बिल्कुल चिल्ड पानी। बहुत ठंडा पानी डालना है हमको, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी होना चाहिए। और यह पानी मैंने रख दिया है 5 मिनट के लिए, यह बिल्कुल ठंडे पानी में मैंने इन्हें डालकर रख दिया है। अब 5 मिनट के बाद ये देखिए मैंने पानी को निकाल दिया है, और अब मैं इसमें बिल्कुल उबलते हुए पानी को इसके अंदर डालूंगी। अब आप देख रहे होंगे जैसे ही मैंने इसके अंदर पानी डाला है, इसमें प्रतिक्रिया होनी शुरू हो गई है। रिएक्शन आप देख सकते हो कि इसमें पानी की आपको यह जो झंझनाहट सी नज़र आ रही है पानी और राजमा के बीच में, और यह बहुत जल्दी ही, यह देखिए मैं आपको दिखाती हूँ 5 मिनट के बाद। अब हम इसे खोलेंगे, आधे घंटे के बाद हमारे राजमा की क्या स्थिति होगी। ये देखिए आधे घंटे बाद हमारे जो राजमा हैं बिल्कुल फूल चुके हैं। तो यह ट्रिक आपको कैसी लगी, और आप इस ट्रिक को ज़रूर आजमा कर देखें, यह बहुत ही कमाल की ट्रिक है। अब ये देखिए मैंने लोकल मार्केट से यह छलनी खरीदी है, तो यह छलनी बड़ी ही कमाल की है और बहुत सस्ती इस छलनी को लिया है, स्ट्रेनर को इसको लिया है। और यह हम किसी भी चीज़ को जैसे छान रहे हैं तो इसका जो होल है बहुत छोटा है, तो किसी भी सामान को फैलने का तो चांस ही नहीं है। अब इसमें दो चीज़ें ऐड हैं, ये देखिए जो यदि हम किसी बोतल में तेल को डाल रहे हैं तो हम केवल इसको निकालेंगे और इस तरह हम तेल को डाल सकते हैं, और हमारा जो तेल है वह उसे पकड़ने का भी झंझट नहीं है, और यह हमारे छलनी का भी काम कर रहा है और हमारे कीप का भी काम कर रहा है। तो यह आपको स्ट्रेनर कैसा लगा यह भी आप बताना ज़रूर। अब यदि आपके घर में चूहे हो गए हैं, मैं हमेशा इस ट्रिक को अपनाती हूँ और मेरे घर से चूहे छूमंतर हो जाते हैं। तो ये देखिए मैंने आटे में काली मिर्च, लाल मिर्च और थोड़ा सा देसी घी मिलाया है, और पानी की हेल्प से मैं इसे आटे को गूंथ लूँगी और इसके मैं बना लूँगी छोटे छोटे पेड़े, छोटे छोटे गोलियाँ बनाऊँगी। जो काली मिर्च और लाल मिर्च की खुशबू होती है या उनका तीखापन होता है चूहों को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, जिसके कारण चूहे घर से भाग जाते हैं। तो ये देखिए उन जगहों पर हम इसको रख देंगे जहाँ चूहे बहुत ज़्यादा हैं, चूहे आपके बिल्कुल छुमंतर हो जाएंगे। अब हमारे घर में जो कॉलगेट होती है ना, जिन्हें हम फेंक देते हैं, खाली होने वाले जो रैपर होते हैं, उन खाली रैपर का बड़ा ही अच्छा यूज़ मैं आपको बताऊँगी। तो ये देखिए जो रैपर है, मेरे पास 3 रैपर पड़े हुए हैं, इन रैपर को मैं काट लेती हूँ। सबसे पहले तो यह जो रैपर है, खाली रैपर कहने के नाम पर खाली है लेकिन इसके अंदर बहुत सारी कॉलगेट होती है। तो ये देखिए मैंने इसके अंदर गर्म पानी डाल दिया है, गर्म पानी के डलते ही तो इसके अंदर जो कॉलगेट है वह बाहर निकल आएगी और कुछ हम इसे निकाल देंगे कुछ इस तरह। तो हमारी जो कॉलगेट है वह बाहर निकल आएगी और इसे हम यूज़ करेंगे बहुत सारी चीज़ों को साफ़ करने में यूज़ कर सकते हैं। हमारी जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें होती हैं ना, उन सारी चीज़ों को हम इसकी हेल्प से चमका सकते हैं, बहुत ज़्यादा क्लीन और साफ़ हो जाती हैं। तो ये देखिए मैं यहाँ पर अपना जो मिक्सर है जो मिक्सी है मेरी, उसे मैं साफ़ कर रही हूँ। इसके कोने कोने में जो गंदगी जमा होती है उसे मैं बिल्कुल साफ़ कर दूँगी इसकी हेल्प से, और हमारी जो मिक्सी है बिल्कुल चमक जाएगी। और गीले कपड़े की हेल्प से अब मैं इसे पोंछ देती हूँ, तो हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं ना वह इसकी सहायता से बहुत इजीली साफ़ की जा सकती हैं। और तो और आप किचन की टाइल्स को भी बहुत अच्छे ढंग से चमका सकते हो इसकी हेल्प से। तो ये देखिए, और अब इसका जो जार है मिक्सी का, उसके पीछे जो गंदगी जमा हो जाती है, यह गंदगी जब हम बर्तन साफ़ करते हैं ना उस समय नहीं निकलती, लेकिन जब हम इसकी हेल्प से निकालेंगे तो सारी गंदगी एकदम निकल जाएगी। और इसे हम पोंछ देंगे अब साफ़ कपड़े से, जिससे कि हमारी यह जो मिक्सी का जो जार है वह बिल्कुल साफ़ हो जाएगा।
अब इसका जो कैप है, इसका जो लिड है, वह देखिए यहाँ पर जो आपको लाइन दिखाई दे रही है ना, इस लाइन को मैं इसी जो हमने जो घोल बनाया है इसकी सहायता से मैं इसे साफ करती हूँ। तो ये देखिए सारी गंदगी बिल्कुल साफ होती जा रही है और हमारा जो यह लिड है बिल्कुल ही चमक जाएगा। तो फ्रेंड्स, यह टिप्स और ट्रिक्स आपको कैसे लगे आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। तो ये देखिए, यह जब यह मैं लेकर आई थी ना इस मिक्सी को, तो यह बिल्कुल ऐसा था। लेकिन क्या होता है, जब हम इसे डेली साफ़ करते हैं ना, डेली यूज़ करते हैं, तो इसमें गंदगी जमा हो जाती है और अब ये देखिए बिल्कुल चमक चुका है। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में।